तो दोस्तों मैं आज आया था बेगमपुर मस्जिद में, और बेगमपुर मस्जिद के यहाँ पर आपको देखेंगे ये नमाज़ अदा होती है यहाँ पर, इस तरीके से होती थी, सॉरी होती है बोल रहा हूँ। चलो अल्लाह ताला ये भी तौफीक दे, अल्लाह ताला ये भी वक्त लाए कि नमाज़ दोबारा अदा की जाए, इसकी हालत देखिए किस तरीके से है। और एक चीज़ मैंने आपको देखी, देखी ये चीज़ मस्जिद के अंदर, ये हालत हुई है हो चुकी है कि यहाँ पर स्मैक पी जाती है, देखिए पन्नी माचिस इस तरीके से, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, सब मौजूद है, ठीक है। और ये मैं अभी बेगमपुर मस्जिद में आया हूँ जो कि मालवी नगर में, देखिए इस तरीके से। तो मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर कीजिए, गवर्नमेंट तक लाइए, दिल्ली गवर्नमेंट तक लाइए, ताकि इस पर करंट एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है बाहर का पोजीशन, इस मस्जिद का बाहर का एरिया जो आप देख रहे हैं इस तरीके से इसका। और ये देखिए किस तरीके से ये सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल हूबहू आपको जामा मस्जिद की जो आपने सीढ़ी देखी होगी दिल्ली जामा मस्जिद की, उस तरीके से ये सीढ़ी है। बट अभी जो इस मस्जिद की हालत है देखिए चारों तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा खास नहीं है। ये एरिया आप देख लीजिए, गली के अंदर है मस्जिद। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अंदर चलते हैं इस मस्जिद के। इस तरीके से ये इसका गेट है, एंट्रेंस गेट है जो अभी आप देख रहे हैं। और ये इधर की तरफ एक दरवाज़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मस्जिद की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, देखिए एक दरवाज़ा इधर है, ऊपर का जो गुंबद है उसका कुछ इस तरीके से का डिज़ाइन है। देखिए कुछ जो मोटे पत्थरों के पिलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एंड देखिए कितनी आलीशान खूबसूरत मस्जिद यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी, जो आज बिल्कुल जर्जर हालत में है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अरमान खान फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, जो कि मेरा कुछ पर्सनल इशू था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, बट अब आपको कॉन्स्टेंटली वीडियो आपको मिलने को देखने को मिलेंगी मेरी। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आ गया हूँ जहाँ आपका दिल बहुत रोएगा इसे देखकर, और हिंदुस्तान की बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा नया खूबसूरत इमारत को आपको दिखाने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ बेगमपुरी मस्जिद में। जी हाँ दोस्तों, ये आपने जामा मस्जिद सुना होगा, दिल्ली की बहुत बड़ी मस्जिद है, पर हूबहू उसकी शक्ल में एक और मस्जिद यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत दिल्ली के अंदर छुपाई गई मस्जिद है, और अब लगभग उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यह है इस मस्जिद का आंगन जहाँ से हमने एंट्री की है, और इसके चारों तरफ ऐसे ही आपको मेहराबें देखने को मिलेंगी जो आपको बिल्कुल हूबहू दिल्ली की जामा मस्जिद की याद दिलाती हैं। और इसका आंगन देखिए कितना बड़ा आंगन है, और ये दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि अभी बंद है, मतलब इस हालत में है कि यहाँ नमाज अदा नहीं होती है। तो दोस्तों इसकी जो हालत है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, किस तरीके से किस हालत में मस्जिद अभी मौजूद है, और इसकी जो देख रेख है वो किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके से इसकी देख रेख कर रहा है। तो दोस्तों इसकी हालत देखेंगे जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस तरीके से जो इसके जो ईंटें हैं पत्थर हैं वो सब निकल कर बाहर आ रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से ये टूट चुके हैं। जैसे कि आप इसके अंदर की हालत देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से कभी आवाज़ दी जाती थी, जैसे कि यहाँ से कभी आवाज़ दी जाती थी कि हय्या अलस्सलाह, आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। और आज ये किस तरीके से सूनी पड़ी है, और यहाँ पर किस तरीके से देखिए, अल्लाह हमें तौफीक दे, यहाँ की सफाई बिल्कुल किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई सहयोग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए किस तरह से इसको गंदा कर रखा है, किस तरह से, मैंने आपको सब दिखाया, देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा बहुत 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 बुरी हालत हो चुकी है इस मस्जिद की। और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, और सरकार को इस पे जवाब मांगने की कोशिश कीजिए, अपने हक मांगने की कोशिश कीजिए। यार आप मुसलमान हो, ठीक है, हिंदू हो, जो भी हो, बट ये एक हिंदुस्तान की धरोहर है, ये पहचान है हिंदुस्तान की, ठीक है। आप देखिए किस तरीके से आज ये गुमनाम है, आज ये सूनी पड़ी हुई है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि ये कभी थी ही नहीं। बट जब ये हुआ करती होगी तो क्या इसका खूबसूरती हुआ करती होगी, इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से खूबसूरती इसमें होती होगी उस टाइम पर। और इसको जो बनाया था, इसकी पूरी डिटेल मैं भी आपको दूंगा, बट इससे पहले मैं आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आज इसकी हालत क्या है। देखिए किस तरीके से इसका ऊपर का अगर पोर्शन देखेंगे तो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, एवरीथिंग इज़
डैमेज तो सब डैमेज हो चुका है, और गंदगी इतनी है, गार्ड बोलने के यहाँ सफाई नहीं होती, और यहाँ पर लोग पेशाब वगैरह भी करते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पेशाब वगैरह भी करते हैं लोग, बाग अपनी जो गंदगी होती है, जो गलाजत होती है, वो भी यहाँ पर निकाली जाती है। इसको बिल्कुल इस तरीके से इसकी बेहुर्मती की जाती है इस मस्जिद की। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे वीडियो नहीं, मेरी वीडियो ना समझकर, अपना हक समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस पर मतलब गवर्नमेंट से या दिल्ली गवर्नमेंट से जो भी है, क्योंकि देखो हमारे पीछे तो पूरी दुनिया बड़ी है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मिटाया जा रहा है कहीं ना कहीं इतिहास को। इतिहास से देखिए जिस तरीके से स्कूल से CBSE बोर्ड वगैरह जहाँ भी जितने भी थे, सब जितनी भी जगहों से सब तरीके से इतिहास को मिटाया गया, हमारे नामों को, हमारी पहचानों को, और अब ये जो हमारी धरोहरें हैं इससे भी हमारे नाम को मिटाया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे हमारा नाम ख़त्म हो और हमें कमज़ोर किया जाए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कितनी खूबसूरत मस्जिद है, और जब आप यहाँ पर आए, मैं कहता हूँ आप एक बार यहाँ पर आके देखिए, आप आए एक बार अपनी लाइफ में यहाँ पर और आके देखिए और फील कीजिए, आपको 110% फील होगा कि यार क्या वो वक्त होगा जब यहाँ पर लोग रहते होंगे और इन्हीं दीवारों पर लोग अपना, इन्हीं ज़मीन पर, इसी ज़मीन पर सजदे करते होंगे। और आज ये तुमसे पूछ रही है, तुम लोग कहाँ गए, कहाँ गए मुसलमान, आखिर कहाँ सोए पड़े हैं हम, ये सब होते हुए हम बहुत अच्छे से देखते हैं, पर ये चीज़ें आपके घर तक भी आ सकती हैं। देखिए किस तरीके से, और किसी दिन इस पर भी दावा कर दिया जाएगा कि ये कोई ना कोई कोई मूर्ति वगैरह रख कर कोई ये भी दावा कर सकता है यहाँ पे, यहाँ के नहीं, ये पहले मंदिर हुआ करती थी, जो अभी यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। तो ऑब्वियसली अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए किस तरीके से इसकी हालत हो चुकी है, पूरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है इसकी। तो ये मैंने आपको एक पोर्शन दिखाया, ये ऐसे ही बहुत सारे पोर्शन हैं, अगर आपने जामा मस्जिद देखा होगा तो जामा मस्जिद पर आप जाइए, मतलब आप गए होंगे ज़रूर, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह ही। एक चीज़ और, ये पहले जनान खाना, मतलब यहाँ पर जो लेडीज़ हुआ करती थी उस दौर में, जो नमाज़ अदा करती थी, वो यहाँ पर है जो आप सामने देख रहे हैं, बट अभी इसे इसके तौर पर टॉयलेट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मस्जिद को टॉयलेट के तौर पर यूज़ किया जाता है, यहाँ पर गार्ड भी हैं, सब है, बस मुसलमान ही नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ अंदर से इसकी भी तस्वीर एक, अगर आप देखेंगे मेरे से पहले जो वीडियो अपलोड हुई है, उन वीडियो में ये जो रेनोवेशन का काम है तब भी चल रहा था इतना ही था, और आज भी उतना ही है। तो इस नाम को इस बस एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने को इस तरीके से दिया गया है इन्होंने, रेनोवेशन का नाम, ताकि कोई कुछ ना कर पाए। और देखिए ऊपर से सारी जो गुंबद थी वो सब टूट चुकी है, सब डिमोलिश हो चुकी है, सब बिल्कुल बुरी तरीके से ये बिल्कुल तबाह की जा रही है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको अब अंदर लेके जाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ये हुआ करता था यहाँ पर जो लेडीज़ हुआ करती थी उस दौर में, यहाँ उनकी नमाज अदा ही होती थी। जी हाँ दोस्तों, ये रोशनदान है जो कि अब शहीद कर दिए, मतलब तोड़ दिए गए ये दीवार, बट इसका जो मेन एंट्रेंस है वो पीछे की तरफ से था, और यहीं से ही उनकी नमाज होती थी, लेडीज़ों की नमाज, जो कि औरतें जहाँ नमाज पढ़ती थी। और इधर की तरफ जो भी है, अगर आप देखेंगे कि ऐसे ही यहाँ पर रोशनदान बने हुए हैं, जो कि अब धीरे धीरे टूटे टूटते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्मैकिए चर्सी है, बहुत ज़्यादा आतंक और हुड़दंग मचा हुआ है यहाँ पर स्मैकियों का। और एक यहाँ भी ये देखिए किस तरीके से, अगर आप देख पाएंगे, देख सकते हैं तो, बट अभी यहाँ पर स्मैकिए मतलब ज़्यादातर नशे नशे पत्ती होता है इधर की तरफ। और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसकी हालत किस तरीके से ख़राब कर दी गई है, यहाँ पर पेशाब किया जा रहा है देखिए। और मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि मस्जिद में पेशाब और जो भी अब गंदी चीज़ होती हैं वो सब होती हैं, और इसकी हालत देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर गंदगी किस कदर हुई पड़ी है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ ईंट पत्थर भरे पड़े हैं, सब तोड़ मतलब मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, गंदी तरीके से तोड़ दिया जा रहा है।
और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदे काम हो रहे हो। माचिस उधर पड़ी है और इधर देखेंगे तो आप यहाँ पन्नी पड़ी है, मतलब कि ये जो स्मैक बहुत जिसे बोलते हैं ये स्मैक है दोस्तों, यहाँ पर स्मैक पी जा रही है मस्जिद के अंदर। इस जगह पर इतनी इबादत वाली जगह पर अल्लाह के घर में बैठकर यहाँ पर स्मैक पी जा रही है, और कोई प्रशासन यहाँ पर गार्ड भी है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है इसकी। दोस्तों मैं तो कहना चाहता हूँ, आप जो देख रहे हैं वीडियो, मेरा तो ये कहना है कि मेरी वीडियो ना समझकर दोस्तों अपनी ही वीडियो समझकर इसको शेयर कीजिए और प्रशासन तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि प्रशासन की आंख खुले, मतलब गवर्नमेंट की आंख खुले, और यहाँ की जो एक जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा बदतरीन काम यहाँ पर किया जा रहा है, मैं क्या ही बोलूँ आपसे। और बस मेरा दिल रोता है ये चीज़ें देखकर अक्सर। देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक अड्डा बन गया है, देखिए इधर दिखाता हूँ आपको, देखिएगा तो इस तरीके से इस मस्जिद को अड्डा बना। तो दोस्तों मैं आज आया था बेगमपुर मस्जिद में, और बेगमपुर मस्जिद के यहाँ पर आपको देखेंगे ये नमाज़ अदा होती है यहाँ पर इस तरीके से, होती थी सॉरी होती है बोल रहा हूँ। चलो अल्लाह ताला ये भी तौफीक दे, अल्लाह ताला ये भी वक्त लाए कि नमाज़ दोबारा अदा की जाए। इसकी हालत देखिए किस तरीके से है। और एक चीज़ मैंने आपको देखी देखी ये चीज़ मस्जिद के अंदर, ये हालत हुई है हो चुकी है कि यहाँ पर स्मैक पी जाती है। देखिए पन्नी माचिस इस तरीके से, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, सब मौजूद है ठीक है। और ये मैं अभी बेगमपुर मस्जिद में आया हूँ जो कि मालवीय नगर में, देखिए इस तरीके से। तो मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर कीजिए, गवर्नमेंट तक लाइए, दिल्ली गवर्नमेंट तक लाइए, ताकि इस पर करंट एक्शन लिया जाए। दोस्तों अगर इस मस्जिद के बारे में आपने देख लिया होगा बहुत कुछ मैंने आपको बताया, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसका इतिहास, कि एक मस्जिद कैसे बनी। दोस्तों ये मस्जिद जो बनाई गई थी वो असल में मंगोलों से सल्तनत की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। ये बनाई गई थी तुगलक वंश में, इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, और इसे आप किलानुमा मस्जिद भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा किला है जिस तरीके से। और आज इसकी हालत किस तरीके से आपको देखने को मिल रही होगी, किस तरीके से इसकी हालत है, यहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, लोग स्मैक पीते हैं, लोग चरस पीते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने शूट की है यहाँ की कि आपको दिखाऊँ, और आपने इस मस्जिद की हालत तो देखी होगी। और मैंने यहाँ पर अज़ान भी दी इस मस्जिद में आकर, तो अज़ान तो दे दी है, इंशाल्लाह नमाज़ भी अदा हो ही जाएगी एक दिन। पर उससे पहले आपको उठना पड़ेगा इस मस्जिद के लिए और अपने इतिहास के लिए, क्योंकि हमें हर जगह से मिटाया जा रहा है, हर जगह से हमें ख़त्म किया जा रहा है, स्कूल की किताबों से, देश से, हर जगह से हमें परेशान किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ख़त्म ना होने दें, जो अपनी पहचान है उसको बनाए रखें, मज़बूती से बनाए रखें। अगर यही चीज़ किसी और गैर मजहब की होती तो वो ऐसे इस तरीके से इसका इस्तेमाल ना होने देते कि इसको मस्जिद के अंदर शौचालय बना दिया, मतलब मस्जिद को शौचालय के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे मैंने दिखाई कितनी सारी स्मैक है यहाँ पे पड़े हुए, स्मैक पी रहे हैं, देखिए वहाँ पे पन्नी पेपर उधर की तरफ ठीक है, मैंने दिखाया पन्नी पेपर वगैरह ठीक है, और जनान खानों में जाके पेशाब कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से इसकी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत है। देखिए घास तक हो, कितनी बड़ी बड़ी घासें हो चुकी है। अगर आपको देख तो पूरी तरीके से इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो टूट गया है और नीचे गिरने वाला है। और अगर इसके ऊपर भी नज़र मारोगे उधर की तरफ देखो, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसे टूटी मतलब इसको शहीद किया जा रहा है, मतलब इसको ख़त्म किया जा रहा है कहीं ना कहीं। मेरा ये मानना है कि इसको ख़त्म किया जा रहा है, और इसको ख़त्म करने की वजह यही है कि एक मस्जिद है, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ से गवर्नमेंट को अर्निंग नहीं है, गवर्नमेंट वहीं जाके आपको आपकी चीज़ों को वहीं उस तरीके से दिखाएगी जहाँ से उसे अर्निंग होगी। चाहे आप जाएँ सफदरजंग, एक ज़माने में वो भी ख़राब था, बट क्या हुआ अब उससे अर्निंग की जा रही है। ताजमहल जाएँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा कूड़ा। आप किसी भी ऐसी अच्छी जगह जाएँ जहाँ अच्छी जगह, ये ऐसी अच्छी जगह कहीं नहीं है, मस्जिद से अच्छी जगह कोई नहीं है। पर क्या है ना, ये मुस्लिम एक इस तरीके से दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मस्जिद है, यहाँ पे कुछ घूमने लायक नहीं है, एक्सप्लोर करने लायक नहीं है, ताकि लोग देखें कि क्या है, मतलब किसी राजा की कुर्सी, बादशाह की, ये उस तरीके से नहीं है। एक मस्जिद है बस, ये मस्जिद है, तो इसलिए यहाँ से कोई अर्निंग करने का कोई ज़रिया नहीं है। और चारों तरफ देखिए आप, गैर मुस्लिम आबादी है, हिंदू आबादी है, अब अल्लाह ही जाने इसका क्या होगा। पर मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि आप इसको बचाएं, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो है मेरे चैनल को लेकर शेयर करें, अरे मेरी वीडियो डाउनलोड कर लें, वॉइस अपनी डाल लें, बट इसे शेयर ज़रूर करें।
एक इंसानियत के नाते इसे शेयर ज़रूर करें, यह आपका हक है। आखिरत के दिन ऐसा ना हो कि अल्लाह की आपकी पकड़ हो इसको लेकर कि मेरे भाई के मैंने तो अपना काम कर दिया, अब काम सब आपका है। देखिए मैंने किस तरीके से दिखाया कि पेशाब भी दिखाया आपको, पोटी भी दिखाई, ठीक है, और स्मैक भी, चरस भी दिखाई, मैंने सब दिखाया आपको कि किस तरीके से हालत है इसकी। ठीक है, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब फ़र्ज़ आप लोगों का रह गया है जो आपको अदा करना है, इस वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग और जुड़े, कनेक्ट हो और इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। क्योंकि देखिए एक इंसान नहीं कर सकता, मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस मस्जिद का अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।